राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रतिष्ठित आज हम लोग गूंज रही है ये पर इस तरह माइक रख लेंगे हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ ये ठीक है। देखो इतना छोटा आवाज, छोटा माइक, इतना आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा चाइना है। कोई बोलते हैं चाइना चीज चलता नहीं तो बढ़िया चल रहा है। करुणा चल रहा है। हरे करुणा बढ़िया चल रहा है। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा है। आज श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आज कौन सा तिथि है? आविर्भाव तिथि। आविर्भाव तिथि है। आप लोगों ने इनकी महिमा को अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया। अभी मैं भी गुरु वैष्णव से जो श्रवण किया थोड़ी सी बताने के लिए कोशिश करूँगा। देखो ये इनका नाम ही भक्ति रक्षक है। ये नाम किसने दिया है? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने इनको संन्यास दिया। प्रभुपाद से जो सन्यासी, अभी तो सन्यासी जिसको तिसको सन्यासी दे देते हैं, लेकिन प्रभुपाद का समय में इतने आसानी नहीं था कि इसको सन्यासी का बेस दे दे। जब तक सारे सिद्धांत में तत्व दर्शन में प्रवीण नहीं हो जाए तब तक प्रभुपाद किसको सन्यासी नहीं देते थे। जब प्रभुपाद सन्यासी देते थे वो ऐसे भी सन्यासी नाम जैसे हम देते थे ना, हैं ऐसे भी वो सन्यासी नाम नहीं देते थे। उनका नाम क्या रखा? भक्ति रक्षक श्रीधर। भक्ति रक्षक के नाम क्यों रखा इनका नाम भक्ति रक्षक? कारण क्या है? बोले कारण है इन्होंने देखा भविष्य में ये भक्ति को रक्षा कर सकता है, भविष्य में ये भक्ति को रक्षा कर सकता है। बड़े विद्वान थे, जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, इसलिए कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाई शरणागति भक्तिर प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब श्री भक्ति सिद्धांत श्रीमन महाप्रभु जगत में आए वो अपना धाम और परिकरों को लेकर के जगत में आए। उसी तरह जब श्रीमती राधा रानी ये जगत का स्थितियों को जब देखा कैसे जी बड़े दुखी हो रहे हैं संसार में, इसलिए स्वयं श्री राधा रानी अपना नयनमणि मंजरी, नयनमणि मंजरी कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। बोले नयनमणि मंजरी देखो ये जगत में लोग कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जाओ तुम जाओ, हाँ जाकर के जीवों का कल्याण करो, लेकिन अकेले मत जाया करो, अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद अकेले नहीं आए,
पूरा अपना परिक्रम को साथ में लेकर के इस जगत में आए। और महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी थे आछे जात नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है मर नाम, सुखी हो या लोक मर गाय विकृति, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में, कुंज गली गलियों में, शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा। हर सब जी प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को कीर्तन करेंगे। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी। इसलिए यद्यपि महाप्रभु ने जिसको द्वारा जितने करवाना था करवाया, लेकिन अगर पूर्ण रूप में हम देखते हैं ये वाणी को संपूर्ण रूप में किसी ने सक्सेसफुल किया, किसने किया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अपना शिष्य लोगों को लेकर किया। इसलिए जिस समय प्रभुपाद बड़े उदास हो गए थे, ये गुरु वर्गों का इच्छा को कैसे प्रकाश करे, महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए अपना परिकरों के साथ में। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे पास में धन बल नहीं, जन बल नहीं, तुम सोच रहे हो ना, कोई चिंता मत करो, केवल तुम प्रचेष्टा करो, हम सबके सब भेज रहे हैं। प्रभुपाद खुद कहते हैं, मेरे मन में इतने उत्साह आया, मैं तो पहले सोचता था मैं अकेला हूँ, देखा अभी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में महाप्रभु सबको भेज रहे हैं। कहते मेरे अंदर में 100 गुना ज्यादा मेरे अंदर में उत्साह आ गया। इसलिए सचमुच से प्रभुपाद का जो गण है ना, ये सबके सब महाप्रभु के द्वारा भेजा हुआ गण है। इसलिए इनका नाम श्री भक्ति रक्षक, भक्ति रक्षक उन्होंने क्या किया। इसलिए जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे, उसी समय में श्री रूप मंजरी पद सही मर संपद सही मर भजन पूजन, ये भजन को गाने के लिए उसको पहले और किसको किसने कहा, प्रभुपाद ने बोला मेरे को ये भजन सुनाओ, किसने बोला भाई देखो उनका गला बहुत बढ़िया है, अब ये भजन उनसे सुनो। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये भजन हम श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से मैं सुनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे को टोन की जरूरत नहीं, गला की कसरत की जरूरत नहीं, मेरे को भाव की जरूरत है। मानो हम लोग जो रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए ये रूपानुगत्व को प्रभुपाद ने किसको द्वारा किसको देकर गए हैं, कहते ये भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से अंतिम समय में उन्होंने ये भजन को उन्होंने श्रवण किया। मानो इनको पास में हमारी जो धारा की जो सिद्धांत को उनको देकर गए। इसलिए इन्होंने कहते विशेष करके 3 तत्व है, एक संबंध तत्व, एक अभिधेय तत्व और एक प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व उन्होंने किसको द्वारा स्थापन कराया जगत में, कहते श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज ने जा करके विदेश में उन्होंने ये संबंध कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, किसने, ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने जाकर जगत में इस चीज को स्थापन किया। लेकिन अभिधेय तत्व किसने स्थापन किया ग्रंथ रूप में प्रचार रूप में, कहते भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। इसलिए अक्सर करके इनका जो ग्रंथ है ना वो एकदम अभिधेय, अभिधेय मतलब साधन है, उनको कैसे हम प्राप्त करेंगे, हैं? सिखाए शरणागति भगत प्राण। इसलिए जो प्रपन्नामृतम और जीवनामृत और जो शरणागति है ना, इनको अद्भुत रूप में ये ग्रंथों को उन्होंने प्रचार किया। कहते विशेष करके ये प्रयोजन तत्व को जगत में किसने स्थापन किया, हमारे लक्ष्य कौन है, कहते श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए अक्सर करके हमारी महाराज का ग्रंथ देखो, अक्सर करके उन्होंने ये सब ग्रंथों को स्थापन किया, वेणु गीत जुगल गीत रास लीला और रास पंचाध्याय है। इसलिए ये सब ग्रंथों को हमारे महाराज ने, ये जीव का उज्जवल निर्मणि ग्रंथों को विशेष करके हमारे महाराज ने, ये श्रृंगार रस ग्रंथों को उन्होंने जगत में प्रचार प्रसार किया हमारे महाराज ने। इसलिए कुछ कुछ लोग इस बात को सुन करके कहते हरे नारायण महाराज ये सब किया, सब रस बात उन्होंने बताए। बोले नहीं, इसलिए कहते प्रभुपाद श्री महाप्रभु जगत में क्यों आए, आने का कारण क्या है, वो अनर्पित चरिंचिरात प्रेम को ही देने के लिए जगत में आए थे। और उसी परंपरा को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास यही तत्व को जगत में दिया,
और प्रभुपाद भी स्वयं कहते हैं, मैंने जंगल काटते काटते अपना जीवन बिता दिया, मैं जो चीज को देना चाह रहा था ना वो बड़ा दुर्लभ चीज है, लेकिन ये चीज को जगत में समझना बड़ा कठिन, वो देने के लिए आए थे। इसलिए हमारी महाराज भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज ने ये चीज को खोल करके नहीं, हमारे महाराज का जो विचार था पहले अपना एम को ठीक करो, जैसे कोई एक इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए करेगा, वो 10 साल पहले उसको लक्ष्य रखता है, हमें ये बनना है। इसलिए महाराज कहते थे अगर हमारी एम अगर स्थिर हो गया ना, फिर साधन जैसे करना वैसे करो। इसलिए इनकी बहुत सारी कथा मैं भूलना जा रहा था, अगर शाम को अगर रूप सनातन बैठे होगा मैं वहां पर बोलूंगा, बहुत सारी बात इनकी बहुत अच्छी अच्छी बात है। इसलिए इनका नाम भी श्रीधर नाम, इसलिए मैंने श्रीधर नाम लिया है। इसलिए हमारे महाराज जी, हमारे भक्तिवेदर नारायण महाराज बोले कोई नाम को चुनो, लेकिन ये नाम भक्तिवेदर नारायण महाराज किसको नहीं दिया, क्योंकि श्रीधर गोस्वामी से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी संन्यास लिया, इसलिए उन्होंने ये नाम किसको नहीं दे रहे थे, लेकिन अंतिम समय में बोला महाराज मेरे को ये नाम दो। माधव महाराज बोले जे ये नाम तो आप किसको नहीं देते, बोले नहीं हम इसको ही दे रहे हैं। ठीक है ये नाम तुम, हम पास कर दिया, ये नाम तुम ले लो।